وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين वमन तब अम बसानदी अम्माबाद नादरीन कराम सलात फ़जर की शरीय इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसकी अहमियत ही के पेश नज़र अल्लाह रबुल्ज़त ने क़ुरान करीम के अंदर इसकी कसम खा के फरमाता है वलफजरी वलयाली नाशर कसम है सलात फ़जर की और दस रातों की इसी तरह से एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अहमियत को वाज़ करते फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखातब करते हुए इला गसक़िल लैल अक्म सलादलू की शमस अला वर्आनलफ़्रक़ुरआनफज्री का ऐ अबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज़ को कायम कीजिए सूरज के जवाल से लेकर के रात की तारीकी तक और इसी तरह से वर्आन अल्फ्र और सलात फजर का अहतमाम कीजिए इन नफ़ज्री का ना मशहूदा इसलिए कि सलात फजर में फ़रिश्तों की हाज़री होती है इससे मालूम ये हुआ कि इंसान के दिन का जब आगाज़ हो रहा है इंसान एक नए दिन में जब दाखिल हो रहा है तो उस नए दिन के आगाज़ के मौका पर उसका सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो हो सलात फजर की अदायगी से होना चाहिए ये सलात फजर जो दर हकीक़त दो रकत की शक्ल में है लेकिन इसकी अहमियत और फ़जीलत कुरान अहादीस के अंदर बेशुमार हैं इस सलात फजर से पहले जो दो सुन्नत है अगर हम उसको देख लें तो हमें सलात फजर की अहमियत और ही अच्छे अंदाज में वाजे हो जाएगी अल्लाह के नबी सली वम फ़रमाते हैं रक अचा अलज्र खर मिनत दुनियामाफिया सलात फज्र से पहले अदा की जाने वाली दो सुन्नत मुअक्कदा दो रकत सुन्नत फज्र यह दुनिया और दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है तसुर कीजिए दो मुख्तसर सी अदा की जाने वाली ये रकत जिसके अदा करने में मुश्किल से दो या तीन मिनट नहीं लगेंगे इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हल्की नमाज़ पढ़ा करते थे आप फरमा रहे हैं कि ये दुनिया जिसके अंदर न जाने कितनी प्रॉपर्टियाँ कितनी जायदाद कितने महल्लत कितने बागात, कितनी नहरें कितनी दरिया कितने समंदर और न जाने क्या क्या खजाने हैं लेकिन इन तमाम से कहीं ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम दो रकत सुन्नत फजर को दे रहे हैं क्या वजह है वजह ज़ाहिर है कि इससे सलात फजर की अहमियत और सुन्नत फज्र की अहमियत वाज होती है इसलिए कि दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को फना हो जाना है सबको एक दिन ख़त्म हो जाना है लेकिन हम जो नेकियां करेंगे इन नेकियों को स्टोर होना है ये हमारे लिए बैंक बैलेंस हैं क़यामत के दिन हमारे लिए साबित होंगे लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि इस नमाज की अहमियत अगर नहीं है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम क्यों खा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसम खाना ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि सलात फ़जर की बहुत ज़्यादा अहमियत है चुनानचे जब हम किताब सुन्नत का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दुआ की है अल्लाह मबारकल उम्मी फ़ी तो मेरी उम्मत की सुबह की वक्त में बरकत नाजिल फरमा अब अगर हम सलात फ़जर की अदायगी करते हैं तो हमारे काम में हमारी उम्र में हमारे माल में हमारी औलाद में और हम जिन चीज़ों में बरकत के उम्मीदवार हैं हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि उसमें बरकत नाजिल होती है याद रहे बरकत का मफहम ये नहीं है कि हमारे पास औलाद ज़्यादा हो माल ज़्यादा हो प्रॉपर्टी ज़्यादा हो बल्कि बरकत का मतलब ये है कि इंसान के पास ये नेमतें कम हों लेकिन इन नेमतों को पा करके इंसान का दिल मुतमईन हो इंसान हर तरह की परेशानी और मुसीबतों से आज़ाद होकर के मुतमईन हो असल बरकत ये है चुनानचे इस रिवायत के ताल्लुक से जब हम देखते हैं तो इस रिवायत के जो रावी हैं वो कहते हैं जिनका नाम सख्र है कि मैं गरीब इंसान था लेकिन जब मैंने इस हदीस के मुताबिक अमल करना शुरू किया और अपना अमल सुबह के वक्त में शुरू किया तो उसकी वजह से हमारे माल में काफ़ी इजाफ़ा हुआ और काफ़ी बरकत हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी वफद को रवाना करते थे तो सुबह के वक्त उन्हें भेजा करते थे तो ये सलाते फजर की अदायगी का पहला फ़ायदा है सलात फजर की अदायगी का दूसरा फ़ायदा ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फ़रमाते हैं मनसल इशाफ़ी जमा फ़्लिस जमा फ़न्ई रकुल्ल जो शख्स सलात एशा बाजमात अदा करता है तो ऐसी सूरत में उसे आधी रात तहजद पढ़ने का क़याम करने का मिलता है और जो शख्स सलात बा बात अदा करता है तो गोया कि उसने पूरी रात लैल की अदायगी की तसूर कीजिए दो रकत बा जमात अदा करना है अज़ान की आवाज़ सुन कर के वजू करके और मस्जिद में आके दो रकत नमाज अदा करके और कुछ देर तक जिक्र असकार के बाद सलात फ़ज्र हम बमत अदा कर लें तो गोया कि हमने पूरी रात नमाज में गुजारी है इससे ज़्यादा फजीलत और इससे बड़ा फ़ायदा आखिर हमें क्या हासिल हो सकता है सलात फ़जर का एक फ़ायदा ये भी है कि मंसल सुबह फह वफ़ी मतिल्ला जो शख्स सलात फ़जर को बाजमात अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिक्योरिटी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी में उसकी हिफ्ज़ और रियायत में होता है अगर ज़िंदा रहता है तो खैर आफियत से और अगर दुनिया से उस दिन रुखसत होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात से कवि उम्मीद है कि उसका अंजाम उसका हश्र बेहतर होगा ये रिवायत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है सही मुस्लिम की यह रिवायत हमें इस बात का पता देती है कि इंसान इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अंदाज़ की सिक्योरिटी हासिल कर ले, लेकिन उस शख्स से बेहतर सिक्योरिटी किसी को नहीं मिल सकती है जिसे अल्लाह रब्बुल रबुजत का अमान मिल जाए अल्लाह रब्बुल रबुजत की रियायत मिल जाए लेकिन नादरीन कराम यहाँ ये भी बात रहे जहन में कि इंसान सलात फ़ज्र बाज़त अदा करेगा तो उसको कोई तकलीफ़ लाइक नहीं हो सकती उसे कोई परेशानी लाक नहीं हो सकती उसके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता ये चीज़ें हो सकती हैं ये इंसानी फितरत का तकाजा है लेकिन इंसान परेशानी और आसानी ये दोनों उसके हक़ में बेहतर होती हैं शर्त ये है कि उसकी नीयत सही हो उसका रब पर एतमाद सही हो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद की लड़ाई जिस दिन होती है उस दिन फज्र की नमाज़ आप बाज़ पढ़ते हैं लेकिन जब जंग शुरू होती है उस जंग में आपके दंदाने मुबारक आपके दांत तोड़ दिए जाते हैं आपका जिसम खून से लहू लहान हो जाता है अगर तकलीफ़ ना पहुंचने की बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ से महफूज़ रहते इससे वाज हुआ कि तकलीफ़ पहुंच सकती है लेकिन एक मोमिन का अकीदा होना चाहिए कि हमें अगर हमारे जिस्म में कांटा भी चुपता है

सलात फ़ज्र की अदायगी का एक फ़ायदा यह भी होता है कि हमें सलात फज्र की अदायगी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि रोजे क़्यामत जब लोग तारिकियों में होंगे अल्ला रबुल्ज़त की जानब से हमें रोशनी अता होगी इसलिए कि सलात फ़जर में जाने वाला शख्स रोशनी की फ़िक्र नहीं करता वो तारीकियों में मस्जिद में हाजिरी की कोशिश करता है अल्लाह के नबी सल्ह सरमाया बशरमी नफ़ी नूरत अलायमिल्क़याम उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो मस्जिदों के अंदर मस्जिदों तक तारिकियों में जाते हैं कि रोज़यामत अल्लाह रबुल्ज़त उन्हें मुकम्मल तौर पे रोशनी का उनके लिए इंतज़ाम करेगा जैसा कि कुरान में है यौम चलबनी नवलमुबिनात नो रुहम यस आबई रोजे क़्यामत आप मोमिन मर्दों और औरतों और को देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त की जानब से रोशनी का उनके दाएँ बाएँ हर तरफ इंतज़ाम होगा सलात फजर की अदायगी में पाबंदी की सूरत में हमें जन्नत की खुशखबरी मिला दी गई है और ये कहा गया है कि इन जन्नत नसीब होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल् फ़रमाते हैं मनसल्लल बरदैनी दखल जन्ना और फरमाया, फ़रमायाली जन्ना रहादल कबल तो लोशमसी व गुरु बिहा कि जो शख्स दो ठंडे वक्त में नमाज़ की अदायगी करता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा बरदैन से मुराद एक तो सलात फ़जर है और दूसरी सलात असर है इन दोनों नमाज़ों की अदायगी की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत की नवेद और जन्नत की खुशखबरी सुनाई है एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं लई यली जन्नार अदल कबला तुलु इशम सी वबल ूबी वो शस जहन्नम में दाखिल हो ही नहीं सकता जिसने सूरज के तुलु होने से पहले और सूरज के गरूब होने से पहले नमाज की अदायगी की सूरज के तुलु होने से पहले ये सलात फजर अदा की जाती है और सूरज के गुरुब होने से पहले सलात असर की अदायगी की जाती है मालूम ये हुआ कि अगर हम सलात फजर और सलात असर की पाबंदी करते हैं तो हमें अल्लाह की रात से कवि उम्मीद है कि हम उसकी वजह से जन्नत में दाखिल होंगे हकीकत ये है कि सलात फजर और सलात असर की पाबंदी करने वाला शख्स ये अपने ईमान का सबूत पेश करता है इसलिए कि सलात फजर के लिए उठना ख़ास सर्दी के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में, में। इंसान मसरूफ़ियतों में हो या आसानियों में हो सलात फजर में उठना ये वही शख्स बेदार हो सकता है जिसे अल्लाह का खौफ हो जिसे नमाज से महब्बत हो जिसे जन्नत की फ़िक्र हो ऐसा शख्स सर्दी की परवाह नहीं करता गर्मी की परवाह नहीं करता अपनी नींद के पूरी होने या ना होने का की परवाह नहीं करता और वह इन तमाम से लड़ते हुए शैतान के इरादों को खाक में मिलाते हुए बिस्तर को छोड़ करके मस्जिद में हाजिर होता है लिहाजा ये उसके ईमान की दलील है इस सिलसिले में एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक दफ़ा किसी स्कूल या मदरसे में वहाँ के उस्ताद ने बच्चों के ऊपर ये ज़रूरी करार दिया कि जो शख्स फजर की नमाज कल नहीं अदा करेगा वो स्कूल नहीं आएगा बच्चे ने अपनी वालदा से कहा कि मुझे फजर में जगह देना वरना मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा सात बजे जो आम तौर पर हमारे घरों का माहौल है कि जिस वक्त स्कूल जाना होता है उस वक्त माएँ अपने बच्चों को बेदार करती सोते वक्त यही कहती हैं जल्दी सो जाओ कल तुम्हें स्कूल जाना है हालांकि ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए जल्दी सो जाओ फ़ज्र में उठना है ये बच्चा जब इसे जगाया जा रहा है सात बजे तो बच्चे ने कहा कि फज्र का वक्त हो गया कहा नहीं स्कूल जाने का वक्त हुआ है तो बच्चे ने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जिद की उसने दूसरे दिन भी यही हाल हुआ फिर भी कहा नहीं जाऊंगा मुझे फ़ज्र में जब तक नहीं जगाएंगे तीसरे दिन मजबूर होकर के माँ उसे फज्र में जगाती है और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के मस्जिद के लिए तारीकी में जब निकलता है तो मैं परेशान होती है और कहती है इस तारीकी में इस अंधेरे में कहाँ जा रहे हो अकेले अब्बा को साथ में ले लो बच्चे ने कहा कि अब्बा नींद के आलम में उन्हें क्यों परेशान करेंगी माँ ने कहा नहीं उनको बेदार करती हूँ बाप जाता है दो तीन महीना गुज़रता है जा के स्कूल के उसताद का शुक्रिया अदा करता है कि इसने हमारे घर की जिंदगी बदल दी इसलिए कि हमने फ़ज्र की जब से पाबंदी शुरू की है हमारी ज़िंदगी का निज़ाम हमारी ज़िंदगी का शेड्यूल तब्दील हो गया है लिहाजा सलात फज्र पर पाबंदी बरतना और इसी तरह से सलात असर की पाबंदी बरतना ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है यही वजह है कि इसका एतराफ़ मुशकिन मक्का को भी था इन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुम ऐसे मौका पर मुसलमानों पर हमला करो एक जंग में कि उस वक्त मुसलमानों के यहाँ नमाज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कहते हैं इन न सताती सलातन ही अहब्बली मिनल कि एक ऐसी नमाज आने वाली है जो उनके यहाँ अपनी औलाद से कहीं ज़्यादा महबूब है बल्कि मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि उनकी आबा वाजदाद और उनकी अहम से अहम चीज़ों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है लिहाजा ऐसे मौका पर उन पर हमला करो चुनान चे उसी मौका पर सलात खौफ नाजिल हुई मालूम ये हुआ कि सलात असर में या तो लोग सोने की वजह से नहीं जाते या लोग अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं कारोबार में मशगूल होते हैं और कारोबार को छोड़ कर के नमाज में जाना ये इंतहाई मुश्किल काम है ये वही शख्स कर सकता है जिसके यहाँ दुनिया से ज़्यादा दिन की महब्बत है नमाज से फ़ज्र की अदायगी की सूरत में हमें एक और फ़ायदा हासिल होगा जो जन्नत से ज़्यादा अजीम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फ़रमाया इन् कुम रब्बकुम तर कमा तरऊ हादल कमर ला नफ़ी रूयती फ़ इनता चुम अल्लाह तुगलबू अला कबल तुलु इश्म सी व ूबिहा फ़फ अलू सुम करा वसबे बेहमद रबी का कबल तुलु इश्म सि वब्ल रू सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत की नेमतों में खुश हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल रब्ज़्ज़त उनसे सवाल करेगा कि क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जिस चीज़ का वादा किया था उसको पूरा कर दिया जन्नती कहेंगे अल्लाह रब्ज़्ज़त हम से जो तूने वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है हम नेमतों में हैं बहुत खुश हैं अल्लाह इज़्ज़त कहेगा इससे बड़ी एक नेमत है उन्हें ताजुब होगा आखिर इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है उस मौका पर अल्लाह इज़्ज़त अपना दीदार कराएगा और मोमिन अल्लाह रब्ल्ज़त को देख करके जन्नत की नमतों को उससे कमतर समझेंगे यह है अल्लाह रबुजत का दीदार जो दुनिया में किसी को नहीं हो सकता दुनिया के अंदर लोगों की आंखें खा नबी हूँ या बड़े से बड़े आलिम या इमाम हूँ कोई भी शख्स इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना देखा है ना देख सकता है लेकिन कयामत के दिन सबसे बड़ी नेमत अगर हो सकती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है सलात फ़जर और सलात असर का खसूस एहतमाम करने वालों को अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अल्लाह इज़्ज़त की दीदार की खुशखबरी दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि तुम लोग अनकरीब अपने रब को ऐसे ही देखोगे जिस तरह से रात की तारीकी में चौदहवीं रात का चाँद बगैर किसी परेशानी के इंसान को नज़र आता है इंसान अपनी आँखों से जिसके पास अल्लाह ने आँख दे रखी है वह बासानी देख सकता है अल्लाह के नबी ने फ़रमाया ऐसे ही तुम अल्लाह इज़्ज़त को वाजह तौर पर देखोगे लेकिन सवाल ये पैदा होता है इसके लिए क्या करना होगा तो आपने फ़रमाया फ़ैन इस तुम अल्ला तुलबू अला सला तुम कबला तुलु शमसी व वबल गुबिहा अगर तुम इस बात पर कादिर हो कि तुम सूरज के तुलु होने से पहले और इसी तरह से सूरज के गुरूब होने से पहले की नमाज पर अगर तुम मगलूब ना हो जाओ यानी तुम पाबंदी से उस पर उसको बरतने पर कादिर हो तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हो सकता है रोज़े क़यामत जन्नत में दाखिले के साथ साथ तुम रब्बुल आलमीन को देख सकते हो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ लिहाजा तुम ऐसा करो और फिर तिलावत की वसब व काम अल अल-ग़ुरूब ऐ नबी पाक अलैहि वसल्लम आप सूरज के गुरूब होने से पहले और सूरज के तुलू होने से पहले यानी सलात फ़जर और सलात असर की पाबंदी कीजिए उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्वीर बयान कीजिए सलात फ़जर की पाबंदी और सलात फजर की, की अदायगी से हमें एक और फ़ायदा हासिल होगा वो ये है कि हम निफाक से पाक हो जाएंगे इंसान के लिए ये अलामत है कि सलात फ़जर की अदायगी करने वाला जहाँ मोमिन है वहीं नफाक से पाक है इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफ़िन मदीना ये सलात फज्र और सलात ऐशा में हाज़िरी से पीछे रहते थे ये सोचते थे कि तारीकी का आलम है इसमें हमें कौन देख सकेगा लेकिन उस जमाने के मुनाफ़ सलात ज़ुहर सलात असर और सलात मगरिब, जिन नमाज़ों में उजाला होता था उन नमाजों में वो पाबंदी बरतते थे लिहाजा उस जमाने के मुनाफिकीन की पाबंदी को देख करके के आज कल हम मुसलमानों को अपने हालात के सिलसिले में सोचना होगा उनके ताल्लुक से आता है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं लई सात अफ़कल अलमुनाफ़िन अमिनफजरी वलीशा

कि इन दोनों नमाज़ों की क्या अहमियत है इन दोनों नमाज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना ज़्यादा अजर व्या है तो फरमाया ला फ़रमायाल्लामा वलो हब तो वो ज़रूर आते चाहे उस नमाज तक पहुँचने के लिए उन्हें चलने की सलाहियत नहीं है घिसट घिसट आना पड़े तो भी उन नमाज़ों में हाज़िरी देंगे और फरमाया कि मेरी ख्वाहिश यह थी कि मैं मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म दे दूँ और वह नमाज के लिए इकामत कहे और फिर मैं ऐसे लोगों के घरों में जा कर के आग लगा दूँ जो लोग अजान हो जाने के बावजूद भी मस्जिद में हाजिर नहीं होते तस्वूर कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जहाँ सलात फज्र की अहमियत को वाजे किया वहीं दूसरी तरफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाजे किया कि इसका अजर सवाब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी अहमियत इस क़दर अज़ीम है कि इंसान अगर चलने की सलाहियत नहीं रख सकता तो ऐसी सूरत में घिसट घिसट कर आना पड़े अगर उसको अहमियत का सही मानों में अंदाज़ा हो जाएगा तो ज़रूर आएगा मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर सलात फ़जर की अहमियत के ताल्लुक से ये वाजे किया कि मेरा दिल तो ये कहता है कि जो लोग फजर में सोए रहते हैं जो लोग ऐशा में हाजिर नहीं होते हैं मैं यहाँ नमाज लोगों को पढ़ने के लिए कहूँ और उनके घरों में जा कर के आग लगा दूँ घर में आग लगने का मतलब ये है कि माल का जिया होगा प्रॉपर्टी बर्बाद होगी और शरीयत ने माल को ज़ाय करने से मना किया है लेकिन उसको भी ज़ाय करने का फसल इरादा फरमा रहे हैं क्योंकि उससे भी ज़्यादा अजीम चीज़ ज़ाय हो रही है दुनिया को तो ज़ाय होना ही है फ़ना होना ही है लेकिन इबादत ज़ाय हो जिसके ज़ाय होने से आख़रत में खसारा होने वाला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख़रत में खसारा ना हो दुनिया के अंदर ही हो उसको आप कबूल कर रहे हैं लेकिन क्यों आपने ऐसा नहीं किया एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि अगर घरों के अंदर औरतें ना होती छोटे छोटे बच्चे ना होते जिनके लिए मस्जिद में हाजिरी ज़रूरी नहीं है जिन बच्चों के ऊपर अभी नमाज वाजिब नहीं है माजूर लोग जो मस्जिद में नहीं आ सकते हमारे इस इकदाम से हमारे घरों में आग लगाने से उनको भी नुकसान पहुंच सकता है जिनको शरीयत ने मुकल्लफ़ नहीं बनाया है लिहाजा आप इस अमल से बाज रहे लेकिन फिर भी इसके अंदर उन तमाम लोगों के लिए जो जानबूझ करके सुस्ती व काहली की वजह से रातों को देर तक जागने की वजह से और शैतानी हमले से मुतािर होने की वजह से जो सलात फ़जर में हाज़िरी नहीं देते हैं ऐसे लोगों को इस हदीस से इबरत व नसीहत हासिल करनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि सलात फजर की किस कदर अहमियत है नादरी कराम हमें अपने हालात का जायज़ा लेना चाहिए सलात फ़जर की अहमियत और उसका फ़ायदा देखना है तो एक और रिवायत देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन तिरमिज़ी की सही रिवायत है अल्लाह रावी हैं कि जो शख्स फ़जर की नमाज बाजमात अदा करता है मंसल तफ़ी जमा फ़म्मद कर शम्स रकाचनी कानत लहू का अजर हजतिन तमाम मतिन तम मतिन तामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सली फरमाते हैं जो सलात फ़ज्र बाज़त अदा करता है फिर कुछ देर बैठ कर के सूरज के तुलु होने तक ज़िक्र असकार में मशगूल हो जाता है फिर सूरज के तलु हो जाने के बाद दो रकत चाश की नमाज़ पढ़ता है तो इस बैठने ज़िक्र अस्कार और नमाजों की अदायगी की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफ़ा फ़रमाया उसे मुकम्मल हज और मुकम्मल मकम्म का सवाब मिलता है नाजरीन कराम हमें इस रिवायत से सलात फ़जर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए वक्त ख़त्म हुआ इन शाला अगली में इस ताल्लुक़ से मज़द बातें आएँगी अब इसके लिए इजाज़त दें अमालकम् वर्का